नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। अभ्यास एक के स्टेप टू पे हम लोग भी अभ्यास कर रहे हैं। स्टेप वन पे हम लोगों ने अपने भाव को देखने का अभ्यास किया, भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया, और उसमें इस बात का ध्यान रखा कि अभी अपने भाव का मूल्यांकन क्या करना है, भाव को जैसा वैसा देखना है। अब स्टेप टू पे अपने भाव का मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहे हैं, यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। इसी क्रम में असाइनमेंट भी हमने लिया था, कल अंग्रेजी सत्र में जो असाइनमेंट था वही असाइनमेंट हमने हिंदी सत्र में भी लिया था। जब हम किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखना चाहते हैं लेकिन यह सोच कर रुक जाते हैं कि मानेगा नहीं, यह शंका ही विरोध का भाव है, क्या यह ठीक है? देखिए, इसमें कोई जरूरी नहीं कि शंका भी हो विरोध का भाव भी हो, कोई जरूरी नहीं है। हम उस व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं और हमको लगता है कि अभी इस व्यक्ति की जैसी मान्यता है काफी संभावना कि नहीं मान पाएंगे, तो इसके बजाय कि हम सीधे सीधे उनको किसी वर्कशॉप में आने का, किसी कार्यक्रम में जुड़ने का प्रस्ताव रखें, जो अभी बात हो रही थी, हम उनके सामने प्रश्न रखें, उनके अंदर हम जांचने के लिए कुछ अवसर दें, जिससे खुद ही तय कर पाए कि निरंतर सुख पूर्वक जीने के लिए उनके पास कोई कार्यक्रम है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको कैसे पूरा करेंगे? स्टेप में आशा, विचार, इच्छा को अलग अलग कैसे देखें? जी, तो देखिए, इच्छा में अगर हम देखें तो मूल इच्छा तो है निरंतर सुखपूर्वक जीने की। उस निरंतर सुखपूर्वक जीने को हम कैसे माने बैठे हैं, उसके अनुसार हमारी बहुत सारी मान्यताएं बन जाती हैं। तो निरंतर सुख को हम कैसे देखते हैं, उसके अनुसार बहुत सारी मान्यताएं बन जाती हैं और उसके आधार पर बहुत सारी इच्छाएं बन जाती हैं। फिर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम विचार करते रहते हैं और उसकी आशा लगी रहती है कि इस इच्छा को पूरा हो जाने से शायद मैं सुखी हो जाऊं। तो मूल इच्छा तो निरंतर सुखपूर्वक जीने की है। ठीक, वहां हमारी मान्यता या संवेदना का जो प्रभाव है वो कनेक्ट होता है और उसके आधार पर बहुत सारी हमारी उप इच्छाएं बन जाती हैं, बहुत सारी इच्छाएं बन जाती हैं, और फिर हम उसको पूरा करने के लिए विचार करते रहते हैं और वहां आशा लगी रहती है। तो इस क्रम में चलता है। अब अगर है ना मूल इच्छा को देखें तो निरंतर सुखपूर्वक जीना, वहां पे यदि सहज स्वीकृति के स्रोत से देखें ये कैसे पूरा होगा, तो दिखता है कि संबंध के भाव के साथ पूरा होगा। तो सहज स्वीकृति हमारे अंदर पहले से बनी हुई है, इसलिए सामयिक रूप से संबंध का भाव भी हमारे अंदर बनता ही रहता है, शरीर के प्रति स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का भाव बना ही रहता है, बनता ही रहता है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर सही भाव भी कई बार आते रहते हैं। तो अगर किसी एक सही भाव का उदाहरण ले तो एक इच्छा हो सकती है कि परिवार में आपस में सामंजस्य हो, तालमेल हो, है ना, सबका सबके साथ संबंध ठीक हो, ये हमारे अंदर एक इच्छा है। उसके लिए हम विचार करते हैं फिर ये इच्छा कैसे पूरी होगी। तो सभी हम कई सारे उसमें योजनाएं कार्यक्रम सोचते हैं, सभी साथ में बैठे, खाना पीना साथ में हो, उठना बैठना साथ में हो, एक दूसरे से बातें करें, इसके लिए हम विचार करते हैं। उस पर हम तुलन भी करते हैं कि साथ में खाना पीना हो तो कब हो सकता है, सुबह में हो सकता है क्या? सुबह में पॉसिबल नहीं है, सबको अलग अलग समय पे निकलना है। दोपहर में सब अपने अपने वर्क प्लेस पे रहते हैं, रात में हो सकता है, डिनर सभी लोग साथ साथ कर सकते हैं। तो हमने सारे ऑप्शन में तुलन किया और उसमें एक समय सोचा कि रात में सभी बैठ के साथ में डिनर करें, ये पॉसिबल है। तो हमने विचार किया कि सभी साथ साथ भोजन करें और उसके लिए कई ऑप्शन चुने और उसमें एक ऑप्शन हमने तय किया कि साथ साथ रात में भोजन हो, है ना। अब ये जो तय हुआ तो जो भी हमने तुलन किया उसके आधार पर एक चयन हुआ कि रात रात में साथ साथ बैठकर भोजन करना ये ठीक है ऑप्शन, दूसरे ऑप्शंस के साथ कुछ कठिनाई लग रही है। तो जब भी हम ऑप्शंस की आपस में तुलना कर रहे थे तो एक आस्वादन हो रहा था। तो सुबह तो तुरंत आस्वादन हुआ कि कैसे हो पाएगा, सबको अलग अलग समय पे निकलना है, तो उसके आस्वादन में आया कि नहीं ये पूरा नहीं होगा, ये जो विचार है इसके अनुसार योजना कभी पूरी नहीं होगी। दोपहर में फिर वो आस्वादन आया कि नहीं ये पूरा नहीं होगा। तो जो भी हम तुलन कर रहे थे उसके साथ हमारे अंदर आस्वादन भी चल रहा था और हमको पता लग रहा था कि आशा पूरी होगी कि नहीं होगी। नहीं होगी, सुबह में साथ साथ बैठ के भोजन करने की आशा पूरी नहीं हो पाएगी, दोपहर में बैठ के भोजन करने की साथ साथ आशा पूरी नहीं हो पाएगी, रात में हो सकती है। और तभी हमने चयन किया। तो इस क्रम में चलता है, ये एक उदाहरण मैंने लिया। वैसे ही हम समृद्ध होकर जीना चाहते हैं,
समृद्धि के भाव के साथ जीना चाहते हैं। तो इस समृद्धि के भाव के साथ कैसे जीना हो, इसके आधार पर फिर हम विचार करते हैं। उसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उन मल्टीपल ऑप्शंस में हम फिर चयन करते हैं, उसका हम आस्वादन करते हैं नहीं। तो जो भी सहज स्वीकृत भाव है उन पे हमारा ध्यान जाता है और उसके साथ हम फिर विचार करते हैं, उसकी आशा बनती है हमारे अंदर कि ऐसा हो सकता है वैसा नहीं हो सकता, फिर उसके आधार पर हम कुछ चयन करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे भाव में कुछ गलत भाव है, कोई विरोध का भाव है, उसके लिए भी हम फिर विश्लेषण करते हैं, उसके लिए भी हम तुलन करते हैं। जैसे अगले व्यक्ति के प्रति विरोध का भाव बन गया, अब उस भाव के साथ हम विचार कर रहे हैं इस व्यक्ति को अपमानित करना है, कैसे अपमानित किया जाए, ठीक है ना। तो फिर उसके लिए कोई मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं अपमानित करने के, उसके बीच में भी तुलन करते हैं और फिर उसमें भी आस्वादन करते हैं कि ऐसे अपमानित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं तो कोई दूसरे विधि से अपमानित किया जाए, फिर चयन करते हैं। तो ऐसे चलता रहता है इच्छा विचार आशा में। अगर हमारे अंदर संबंध का चिंतन हो पाए, व्यवस्था का बोध हो पाए, सहस्तित्व का अनुभव हो पाए, तो फिर जो अनर्गल भाव है ये नहीं चलेगा। फिर हमको स्पष्ट होता है कि परिवार में संबंध का अर्थ क्या है, ठीक है ना। हमको ये भी दिखता है कि साथ साथ भोजन कर लेने से परिवार में व्यवस्था बन जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई आवश्यक तो नहीं है। साथ साथ जीने में सुख तभी होगा, संबंध तभी ठीक होंगे जब सब में समझ होगी। तो जब हम ब्लॉक B1 से ऑपरेट करना शुरू करते हैं तो हमको दिखता है कि साथ साथ मेजर इश्यू है कि सभी समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर साथ साथ भोजन करने से समझने में सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है ना। अगर भोजन साथ साथ नहीं भी कर पा रहे बट समझने में लगे हुए हैं तो भी अच्छी बात है। तो अभी जब हम ब्लॉक B1 से ऑपरेट नहीं करते हैं तो हमारी जो सहज स्वीकृत भाव है उनको भी पूरा करने के लिए हम फिक्सेटेड हो जाते हैं। हम कुछ कार्यक्रमों पे अपने आप को बाध्य पाते हैं कि इसको तो पूरा करना आवश्यक ही है, इसके अन्यथा कुछ होगा नहीं। परंतु जब हम समझ के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमको दिखता है कि मूल मुद्दा तो सही समझ सही भाव का है। तो उसके लिए ये कार्यक्रम भी उचित हो सकता है, दूसरे कार्यक्रम भी उचित हो सकते हैं। हम हर बार हमारा ध्यान इस पर रहता है कि वो पर्पज पूरा हो रहा है कि नहीं, व्यक्ति के अंदर जांच परख शुरू हो पा रही है कि नहीं, व्यक्ति के अंदर समझना पूरा हो पा रहा है कि नहीं, व्यक्ति का ध्यान संबंध पे जा पा रहा है कि नहीं, व्यक्ति फैल कर पूरी व्यवस्था के प्रति ध्यान दे पा रहा है कि नहीं, व्यक्ति सहस्तित्व को देख पा रहा है कि नहीं, फिर यहाँ ध्यान रहता है। फिर परिवार भी हमें वो 4-6 लोगों का नहीं दिखाई देता, परिवार तो पूरा विश्व ही हमको दिखाई देता है। तो अभी जहाँ हम एक परिवार में ही व्यवस्था बनाने में हो सकता है पूरी शरीर यात्रा लगा देते हैं, उसके स्थान पर हम पूरे अखंड समाज का विचार करते हैं और इस परिवार को उस अखंड समाज की इकाई के रूप में देखते हैं। तो परिवार के भीतर सब कुछ ठीक चले, बाहर कुछ भी होता रहे, ये तो हम नासमझी में सोचेंगे। हर मानव का हर मानव के साथ संबंध ठीक हो, ये हम ब्लॉक B1 से जो ऑपरेट करते हैं तो वहां से इस रूप में देखते हैं कि हर मानव का हर दूसरे मानव संबंध ठीक हो, पूरी धरती पे व्यवस्था ठीक हो, है ना, मिट्टी हवा पानी पशु पक्षी पेड़ पौधे इन सब के साथ हमारा जीना ठीक हो, वहां से हम देखते हैं चीजों को। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आशा कोई मूल इच्छा बना लेते हैं वही, अगर उसको उदाहरण में ले तो जैसे यही एक आशा कि सभी साथ बैठ के डिनर करें, अब इसी को हमने मूल इच्छा बना ली। अब इसके लिए हम इतने ज्यादा रिजिड हो जाते हैं कि उसके लिए लड़ाई झगड़ा करने को तैयार होते हैं। तो अपेक्षा तो ये थी कि साथ बैठ के भोजन करेंगे तो सबके साथ ठीक से जीना होगा, अब कोई मना कर दे रहा है, वीडियो गेम देख रहा है वहां पर बैठ कर, उसके बाद इतना रोष आ गया कि है ना गाली गलौज शुरू हो गया। तो पता चला कि जहाँ संबंध के भाव के साथ हम सोच रहे थे कुछ योजना बनाना, ऑल उल्टा विरोध खड़ा हो गया। उदाहरण के लिए, है ना, जी जी जी। तो ऐसा कई बार हो जाता है। वैसे ही अगर देखें तो मूल इच्छा तो हमारी समृद्धि की है, उसके लिए हमने चयन किया कि हमें जॉब करना है और इस प्रकार का जॉब करना है, ठीक है ना। बट यदि हम उस जॉब को ही अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे दें तो फिर वो कई बार होता है कि समृद्धि के भाव पे भी प्रश्न चिन्ह उठने लगता है, संबंध के भाव पे भी प्रश्न चिन्ह उठने लगता है, तो हम चयन पे रिजिड हो जाते हैं। जो आप भैया बात कहना चाह रहे हैं ना, जी जी, तो हम चयन पर रिजिड हो जाते हैं। भाव सर इच्छा कब बन गया और वो हमको ड्राइव करते रहते हैं, तो थोड़ा इसके ऊपर है ना। जैसे जो हम लोग कई बार वर्कशॉप में स्लाइड भी शेयर करते हैं ना कि एक
मूल इच्छा है निरंतर सुख समृद्धि, हाँ। उसको प्रिसाइजली कहें तो निरंतर सुख। उसके लिए फिर हम बहुत सारी इच्छाएं बनाते हैं पूरा करने के लिए, D1, D2, D3 up to Dn, तो सुविधाओं का कोई अभाव ना हो, ठीक है ना। एक इच्छा बनी, सबके साथ संबंध ठीक रहे, दूसरी इच्छा बनी, और ऐसा करके हम बहुत सारी इच्छा बनाते हैं। हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, तीसरी इच्छा बनी, स्वास्थ्य सबका ठीक रहे, चौथी इच्छा बनी। ऐसे हम मल्टीपल इच्छाएं अपने अंदर बनाते हैं। ये वो इच्छाएं जो मैं कहूंगा सहज स्वीकृति से आ रही हैं, ठीक। अब उनको पूरा करने के लिए हम विचार करते हैं, कि एक इच्छा को पूरा करने के लिए विचार करते हैं। फिर उसके लिए हम एक एक के लिए चयन करते हैं। तो डी जो है, जो मूल इच्छा है डिजायर, है ना, उसके आधार पर फिर हम D1, D2, Dn ऐसे बहुत सारी इच्छाएं तैयार करते हैं अपने अंदर। फिर उनमें से उनको पूरा करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो जैसे समृद्धि का भाव सुनिश्चित रहे, सुविधाओं का अभाव ना हो, अब उसके लिए हम विचार करते हैं, हमारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उनमें हम कंपेयरिंग करते हैं, तुलना करते हैं, एक एक ऑप्शन का हम विश्लेषण करते हैं, ऐसे ठीक है कि वैसे ठीक है, यहाँ जॉब करना ठीक है कि वहाँ जॉब करना ठीक है, ऐसा जॉब ठीक है कि वैसा जॉब ठीक है, और हर एक का विश्लेषण करते हैं, फिर इसका सिलेक्शन कर लेते हैं। तो समृद्धि के भाव को पूरा करने के लिए, सुविधा का कोई अभाव ना हो, इसको पूरा करने के लिए हमने एक सिलेक्शन किया जॉब का। वैसे स्वास्थ्य को पूरा करने के लिए हमने एक सिलेक्शन किया, संबंध को पूरा करने के लिए सिलेक्शन किया, भविष्य हमारा सुख शांति से चले उसके लिए हमने कुछ सिलेक्शन किए, है ना, एक्सटेंडेड फैमिली में सबके साथ संबंध अच्छा रहे उसके लिए कुछ सिलेक्शन किए। तो ये मल्टीपल सिलेक्शन, इसको अगर हम बहुत ठीक से देख पाएंगे तो हमें अपनी कल्पनाशीलता बहुत आसानी से स्पष्ट होगी कि देखो मैं ऐसे ऑपरेट कर रहा हूँ। फिर ये भी दिखाई देगा कि ये D1 up to Dn जो हमने बहुत सारी इच्छाएं बनाई हैं, उनमें कितनी इच्छाएं सहज स्वीकृति से आ रही हैं, कितनी इच्छाएं मान्यता या संवेदना के प्रभाव में आ रही हैं। नहीं, जो मान्यता और संवेदना से आ रही हैं, वो गलत रास्ते पे लेके जा रही है उसको। हाँ, तो फिर वहां पे आप पाएंगे कि सुख की निश्चितता नहीं है। जैसे एसेंशियली हम समृद्धि चाहते हैं, पर जैसे ही हम कहते हैं कि सुविधाओं का अभाव ना हो, ठीक। अब सुविधाओं की आवश्यकता ही अगर हमको पहचान में नहीं आई है तो ये कैसे होगा कि सुविधाओं का अभाव ना हो। अब वो इच्छा हमारे अंदर जो बनी हुई है मान्यता ग्रस्त है, ठीक, जो समृद्धि के भाव को पूरा करने के लिए इच्छा बनी हुई है, ठीक। इच्छा बनी कि ऐसा ही मकान अपना होना चाहिए, वो विचार से तैयार हुआ, जाके इच्छा में बैठ गया, हमने विश्लेषण किया, तुलन किया, है ना, और कहीं जाकर वो स्थापित हो गया कि ये मान्यता बन गई कि भाई अच्छी लाइफ तो यही होती है। वो मान्यता में जाकर बैठ गया, अच्छी लाइफ तो यही होती है अगर ऐसा मकान हो, ऐसा रहन सहन हो, ऐसा खान पान हो, ऐसे कपड़े लत्ते हो, ठीक, ऐसे शादी ब्याह हो, ऐसे सेलिब्रेशन हो, ऐसी बहुत सारी मान्यता जाके वहां बैठ गई। तो हम समृद्धि के भाव के साथ तो देखना शुरू किए, वहां मान्यताएं कनेक्ट होती गई, फिर चयन किया, अब वो चयन जाकर रिजिड हो गया, ठीक, और किसी रूप में वो गहरी मान्यता में बन गया। हाँ। तो कुछ हमने चयन किया, है ना, वही चयन जो धीरे धीरे रिजिड हो जाते हैं अपने अंदर, वो गहरी मान्यता का रूप ले लेते हैं। तो अपनी कल्पनाशीलता को देखना है और उसमें अपनी इच्छा विचार और आशा को अलग अलग करके देखने का प्रयास करना है, जिस पर हमने अभी काफी सारी चर्चा की। तो जब आपका आपने किसी रिश्तेदार, कोई पति पत्नी परिवार के सदस्य दोस्त के साथ कोई अप्रिय व्यवहार हो जाता है, तो उस घटना का विश्लेषण करें कि इस समय आपकी आशा या अपेक्षा क्या है, इस समय आपके विचार में क्या चल रहा है, इन विचार के पीछे भाव क्या है। तो जब आप घर का कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो बार बार करना पड़ता है, उस काम को करने के पीछे आपका भाव क्या रहता है। उदाहरण के लिए जब आप बर्तन धो रहे होते हैं, आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप स्वयं की इच्छा से ऐसा कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर एक काम थोपा गया है, और यदि आप ये काम नहीं कर रहे होते तो कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहे होते। इन दोनों स्थिति में आप कब सुखी होते हैं और कब दुखी होते हैं? पहली स्थिति में आप दुखी हुए क्योंकि आप में उस काम के प्रति विरोध का भाव था, जबकि दूसरी स्थिति में आप सुखी हुए क्योंकि उस काम के प्रति स्वीकृति का भाव था।
तो काम आप कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे जो भाव है आप उसे सुखी दुखी होते हैं। कल्पनाशीलता को देखें, उसमें इच्छा विचार आशा को अलग अलग करके देखें, और फिर ऐसे जो निर्वाह होते हैं हमारे संबंधों में, कोई व्यवहार हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, उसमें भी देखें कि इस समय आशा में क्या है, विचार में क्या है, उसके पीछे भाव क्या है। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।